मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण सरदार सरोवर बांध का बैकवाटर मध्य प्रदेश के 192 ग्रामों को प्रभावित कर रहा है। वहीं सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, नर्मदा घाटी मंत्री, मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि मैं गुजरात सरकार से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि वह अपना मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बांध के गेट तुरंत खोले, ताकि डूब प्रभावित इलाकों को तुरंत राहत मिल सके। मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सदैव आपके साथ था और सदैव आपके साथ रहूंगा। धार से राजेंद्र बघेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बहुत वर्षा हो रही है और मध्य प्रदेश की जनता सरदार सरोवर के कारण डूब से प्रभावित हो रही है। विगत बहुत दिनों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं और मेरे प्रशासनिक अधिकारी सब गुजरात सरकार से बात कर रहे हैं कि जो बांध के गेट आप बंद कर रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश की जनता प्रभावित हो रही है, लोग डूब रहे हैं। और विगत वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि जो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गुजरात सरकार लाभ दे। विगत महीनों से जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं ने मेघा पाटकर जी से और मैंने स्वयं ने उनसे और जो डूब प्रभावित थे उनसे चर्चा करी, उन्होंने जो हमें बिंदु दिए हैं और उनकी जो मांगे हैं, हमारी सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, हम क्रियान्वयन उसका कर रहे हैं। और चूंकि ये बारिश का सीज़न है और वर्षा इतनी हो रही है और गुजरात पानी नहीं छोड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश की जन डूब से लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्रियान्वयन में समय हो सकता है थोड़ा लग रहा हो, पर मैं डूब प्रभावित साथियों को, मेघा पाटकर जी को, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप चिंता ना करें, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ में है। गुजरात से हम लोग चर्चारत हैं, उनसे हम अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, NCM में भी हमने बात रखी है। इस तरह से आप मेघा दीदी, आप भी जानती हैं कि इतने कम समय में इतना काम करना संभव नहीं है हमारे लिए, पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक तो हम कामयाब हुए भी हैं। पिछली बार जो आप देख लीजिए, जब डूब आया करती थी क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश की जो पिछली सरकार थी, उस सरकार ने कभी भी डूब प्रभावितों की चिंता ना करी। हम तो सरकार में आए, ऐसी व्यवस्था करी, ऐसी संसाधन उपलब्ध करवाए कि डूब प्रभावितों को लगे कि मध्य प्रदेश की में कमलनाथ जी की सरकार और हमारा पूरा विभाग उनके साथ में है। मानवीय दृष्टिकोण गुजरात की सरकार नहीं अपना रही है। हम भी संघर्ष कर रहे हैं जिस तरह से आप कर रहे हैं, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो पुनर्वास संबंधित आपकी मांगे हैं और भी जो आपकी मांगे हैं, हमारी सरकार पूरे प्रयासरत है और हम उसको जल्दी से जल्दी उसका निकाल करेंगे। जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, और जो गुजरात सरकार से हमको करवाना है उनसे भी हम प्रयासरत रहें कि उनसे करवाएं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो अनशन है आपका, उसको समाप्त कीजिए, हमारी सरकार पर भरोसा कीजिए। और मैं अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है वो आपके साथ में है, आपके हितैषी है, और जल्द से जल्द हम आपका समस्याओं का हल निकालेंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है, मेघा पाटकर जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगामी माह में आने वाले त्योहारों